रायबरेली में पुलिस सो रही है, शहर में बढ़ा चोरों का आतंक। बेखौफ चोरों ने घर के सामने खड़े रिक्शे पर किया हाथ साफ। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अमर नगर मोहल्ले का है, जहां के रहने वाले आशीष कुमार दीक्षित ने अपना ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा करके चार्जिंग के लिए लगा दिया था, लेकिन बेखौफ दो चोरों ने देर रात ई रिक्शे पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब रिक्शा मालिक ने देखा तो घर के सामने रिक्शा खड़ा ही नहीं था। इसके बाद पड़ोस में लगे सीसीटीवी को जब देखा गया तो दो चोर ई रिक्शा को ले जाते हुए दिखाई पड़े। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करके ई रिक्शा वापस दिलाए जाने की मांग की है। हमारा ई रिक्शा हमारे घर के सामने खड़ा हुआ था, जो कि आज रात में चोरी हो गया। तो कैसे चोरी हुआ, कोई सूचना पुलिस को दिया? हाँ, पुलिस को एप्लीकेशन दिया गया है, पर अभी तक पुलिस आई नहीं। अभी फ़ोन दो तीन बार फ़ोन किए हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं कोतवाली से। सीसीटीवी वगैरह जी, सीसीटीवी कैमरे में सब गाड़ी भी कैद है, सब कुछ कैद है, जो कि हम कोतवाली में दे भी चुके हैं। कितने लोग हैं? दो लोग थे। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।